ठीक है। अब मैंने आपको क्या क्या बताया था कि बाइनरी सॉल्यूशन
और पी टू कितना है हमारे पास 4.5 इंटू एक्स टू, एक्स टू कितने मिले 0.687 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर मिलेगा हमें, आप लोग खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं इस काम का, ठीक है। तो वो हमें जो मिला वो हमारा क्या हो गया, P1 और P2। अब हम लोग ये इक्वेशन यूज करें, हमें y फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन, तो y इज इक्वल टू क्या होगा P1, अगर y1 फाइंड करना है तो P1 अपॉन P2 तक, और y2 फाइंड करना है तो P2 अपॉन y2 तक, ठीक है। चलो तो y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 तक। चलो P1 हमारा कितना है, ये वाला, ये जो आंसर आया वो 200 इंटू 62.42, ठीक है। तो 62.42 डिवाइडेड बाय पी टोटल 347.877। वाई टू हमें फाइंड करना है तो वो क्या मिलेगा, पी टू डिवाइडेड बाय पी टोटल। तो पी टू हमारा ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है 415 इंटू 0.687, तो हमें आंसर मिला